हेलो किचन किंग्स। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ नए वीडियो के संग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्लूटेन फ्री वेजिटेबल पराठा। तो बताती हूँ इसमें क्या। ये मैंने वेजिटेबल ले ली है। ये मैंने दो तरह की स्टफिंग बनाई है। ये है कच्ची, सिर्फ इससे मैंने सारी वेजिटेबल फाइन चॉप की हैं और इसमें मसाले डाले हैं। तो इसको मैंने कढ़ाई में हाफ कुक्ड कर लिया है, मतलब उतना ही कुक किया है कि इसका पानी निकल जाए। और दोनों में ही मैंने नमक नहीं डाला, ये मैं आपको बता दूं। और फिर इसमें एक मीडियम साइज़ का आलू ग्रेट करके इसमें भी मिलाया मैंने, और इसमें भी मिलाया बाइंडिंग के लिए। आप चाहें तो बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन और ये मक्के का आटा है जो ग्लूटेन फ्री होता है। और इसको भी मैंने अच्छे से माड़ा है, क्योंकि मक्के के आटे को बहुत अच्छे से मैश करके माड़ा जाता है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। और अगर आपको मक्के का आटा ढंग से बाइंड नहीं होता है इसमें, मतलब ये फट जाता है बाइंडिंग करते समय, तो आप इसे मैदे की पतली छलनी, मैदे की छलनी होती है ना, उससे छानिएगा फिर माड़िएगा, तो ये अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के, लेकिन आपको कम से कम आधे घंटे तक इसको रगड़ रगड़ कर इसको मैश करना, मतलब इसको अच्छे से मारना पड़ेगा। अगर फिर भी आपका ये स्टफिंग निकलती है तो फिर तो एक ही इलाज है कि आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला दीजिए इसको बाइंड करते समय। और ये मैंने, क्योंकि मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, तो ये नमक और अमचूर का मिश्रण है। जब मैं स्टफिंग करूँगी उस समय डालूँगी इसको। तो चलिए आइए बनाते हैं। और जब तक आप जाके मेरे चैनल को, मेरे बेटे की फरमाइश को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो नए लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जाके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरा नया वीडियो जब अपलोड हो तो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे मसलते हैं। इसको अच्छे से ऐसे करके 15-20 मिनट तक आटे को तो मसलना ही पड़ेगा आपको, तब जाके ये अच्छे से बाइंड होता है। तो इस तरह से, या इस तरह से आप अच्छे से आटे को मसलिए, फिर देखिए अपने आप बाइंड हो जाएगा ये, और इसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। और भी मक्के के आटे से बहुत सारी डिशेस बनती हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे करके वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। अभी तो आप पराठे का एंजॉय कीजिए पराठे को। और स्टफिंग में मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। तो देखिए इसको ऐसे आटा लगा के अच्छे से ऐसे लंबा सा बेलिए। मैं आपको भरने का तरीका बताती हूँ। उस तरह से मत भरिए जैसे आलू के पराठे हम लोग भरते हैं, कि ऐसे लोई ऐसे लेके इसको ऐसे करके अगर आप भरेंगे तो इसके फटने के चांस है। तो इस तरह से ना भर के मैं आपको नया तरीका बताती हूँ। इस तरह से आप बना लीजिए, अच्छे से बेल लीजिए पतला, और थोड़ा मोटा ही रहेगा बस। ये देखिए किनारी थोड़ी सी फट रही है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है। इसको ऐसे ऐसे हम कर लेंगे, थोड़ा सा पत्थर नीचे डालेंगे हम। तो इसको ऐसे पतला बेल लीजिए पहले से ही इस तरह से। अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। पहले हम ये कच्ची वाली स्टफिंग करेंगे। और इसमें ऊपर से हम जो नमक और ये मिश्रण था ना, नमक और अमचूर का, वो डालेंगे ऐसे। तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे।
थोड़ा सा आटा नीचे लगाएंगे हम, हाथ से ही इसको फोल्ड करेंगे हम और इसे ऐसे दबाएंगे। आप चाहें तो बेलन का यूज कर सकते हैं। थोड़ा मोटा रहेगा ये, और इसको हम मीडियम आंच पर ही सेकेंगे। तो ये देखिएगा बन गया है। थोड़ा सा ऐसे आपका ये इस तरह से थोड़ा सा फटेगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई आटा वगैरह नहीं मिलाया है, प्योर मक्के का आटा है। तो आप चाहें तो इसे गोल बना लीजिए ऐसे ही दबा दबा के, इस तरह से हाथ से। थोड़ा टाइम लगेगा, गेहूं के आटे से जो पराठे बनाते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, पर ये बहुत टेस्टी लगता है और उनके लिए बहुत अच्छा है जो ग्लूटन फ्री डिशेस चाहते हैं, ये उनके लिए है। इसमें कोई ग्लूटन नहीं है और आलू भी इसमें ऑप्शनल है। अगर आप आलू इसमें डालना चाहें तो ही इसमें मैश कीजिएगा, वरना आप इसको बिना आलू के भी स्टफ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले इसमें नमक मत डालिएगा, तो जैसे मैंने नमक अभी डाला है वैसे ही डालिएगा, तो ये आराम से इसमें भर जाएगा। तो चलते हैं इसे बनाते हैं। तो ये तवा मैंने ऑलरेडी गर्म होने रख दिया था पहले से ही, और इसमें भी नीचे हमने साबुन का झाग लगा दिया है जिससे मेरा तवा नीचे से ख़राब नहीं होगा। और जो ये हैंडल का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे भी मैंने साबुन का झाग लगाया है, क्योंकि यहाँ पर भी तेल जम जाता है। ऐसे सारी जगह ऐसे आप लगा सकते हैं जहाँ तक तेल आता है, बस ऊपर नहीं लगाना, ये मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले थोड़ा सा तेल लगाएंगे हम, डालते हैं अपना पराठा, थोड़ा केयरफुली होके इसको पराठे को इस पे रखिएगा दोनों हाथ से उठाकर, नहीं तो बीच में से टूट जाएगा। थोड़ा सा दबा दे रही हूँ, थोड़ा पतला कर रही हूँ इसे मैं। और जब नीचे से मतलब एक साइड से अच्छे से पीछे से सीख जाएगा, तब इसे हम पलटेंगे, टर्न करेंगे। और मीडियम आंच पर ही सेकेगा, नहीं तो ये मक्के का आटा थोड़ा सा मोटा है इसमें तो कच्चा रहेगा, और अगर आप पतला बेल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप सेकेगा। तो जब तक ये पराठा सेक रहा है, तो आप जाके क्या कीजिएगा, जो नए लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो जाके जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर और उसके बाद बेल आइकन आइकन जो है ना उसको प्रेस करने के बाद आपको मेरी नई वीडियो तुरंत मिल जाएगी। तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज जाकर मेरे चैनल को मेरे बेटे की फरमाइश जिसका नाम है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरे नए वीडियो तुरंत मिल जाए। तो ये एक साइड से सीख गया है, मैं हाथ से कर रही हूँ, आप लोग मत करना, मुझे हैबिट है इस तरह से करने की, तो आप लोग इस तरह मत करना। इसको दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाने देंगे हम, फिर इसको ग्रीस करेंगे ऑयल से। तो मैंने तो आज सनफ्लावर ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ऐसा करती हूँ मस्टर्ड ऑयल में करती हूँ, क्योंकि तो मुझे उसी में पसंद है, इसको करती हूँ अलग, तो मैं मस्टर्ड ऑयल में इसको करती हूँ। तो आपको अगर मस्टर्ड ऑयल, मैं तो इसमें डायरेक्ट ऐसे ही लगाऊंगी, अगर आपको स्मेल लगती हो, ये देखिए तो मैं तो कच्चा ही ले रही हूँ, अगर आपको इसकी स्मेल लगती हो तो आप इसको अच्छे से पका लीजिए धुआं उठने तक, फिर उसको ठंडा करके फिर पराठा सेकिएगा, तो अच्छा लगेगा।
और मुझे तो ज्यादातर चीजें मस्टर्ड ऑयल में ही पसंद है। आप अपने पसंद का ऑयल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिएगा, और आप बताइए कि आप वेजिटेबल पराठा कैसे बनाते हैं, आप वो रेसिपी भी मुझे शेयर कीजिएगा, तो मैं उसको भी ट्राई करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नया सीखने का जो मजा है, बहुत कुछ भी नया मतलब मैं सीखती हूँ तो अच्छा लगता है मुझे। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि ये पराठा कैसा बना है, आपको कैसा लगा, और आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो हम इस साइड अब ऑयल लगा देंगे इसमें, और देखिएगा मैं कितने कम तेल में इसको सेकती हूँ, क्योंकि ये हेल्दियर वर्जन है। मैं इसको बहुत कम तेल में सेकूंगी, से इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है। अब ये एक तरह से, ये लकड़ी का मैसर आता है, इस तरह से दबा दबा के हम इसको, बहुत प्रेशर डालकर नहीं दबाएंगे, बस हल्के से ऐसे दबाएंगे और इसको सेकेंगे। तो कोई भी पराठा अगर आप ऐसे सेकते हैं तो बहुत कम तेल में क्रिस्पी सिकता है, बढ़िया एकदम, दोनों तरफ से लाल हो जाएगा ये, और मुझे ज्यादा तेल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, 100% मैं आपको श्योर करती हूँ आपका पराठा एकदम क्रिस्पी बनेगा। ये देखिएगा कैसे अच्छे से क्रिस्प हो गया है ये, और ये मक्के का आटा है तो ये जल्दी क्रिस्प होगा। इसको ऐसे हल्के आंच से, ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा इस पे, इसे दबा दबा के सेकिएगा, और कम तेल में ही ये बहुत अच्छा सेकेगा और बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा। एक बार आप बनाइएगा जरूर, और मुझे वो वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा, तो मैं भी देखूंगी, और आपने कुछ उसमें नया किया हो तो वो भी मुझे बताइएगा। पर कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो नहीं भेजे तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपने ये पराठा बनाया है, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने अगर कोई चीज़ बनाई है तो लोगों को अच्छी लगी वो। तो प्लीज कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और ये देखिएगा दूसरी तरफ से भी सीख के अच्छे से, तो तैयार है मेरा पराठा। तो मैं जब तक इसको प्लेट पर निकालती हूँ, तो लीजिए तैयार है मेरा ये वेजिटेबल पराठा, ग्लूटेन फ्री। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा जरूर, और कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा लेकर कि आपको ये पराठा कैसा लगा, या आपने इसे ट्राई किया कि नहीं, तो आप ज़रूर बताइएगा। आप इसे चाय, कॉफ़ी, या सॉस या चटनी किसी के संग भी मज़े से खा सकते हैं, और किसी समय भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी है। तो आप जाइए बनाइए जाके, और मेरे चैनल को बनाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नया वीडियो तुरंत मिल जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा, जाइए जल्दी से। ओके, बाय बाय।